अब बड़ी खबर आपको हम बता दें, बैंक लूटते आतंकियों का वीडियो सामने आया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलवामा से खबर आ रही है जहां कल लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर बैंक लूटे थे। उसी बैंक लूट की सीसीटीवी तस्वीर सामने आ गई है जिसमें हथियारबंद आतंकी साफ साफ दिख रहे हैं। चार आतंकियों ने 9,84,000 रुपए की लूट की थी। लूट में शामिल दो लश्कर आतंकियों की पहचान हो चुकी है। एक का नाम आरिफ डार है और दूसरे की पहचान अबू अली के नाम से हुई है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने 16,000 के पुराने नोट जबकि 9,68,000 के नए नोट लूटे थे। कल पुलवामा में बैंक में हुई लूट बीते दो महीने में बैंकों में लूट की चौथी वारदात है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू और कश्मीर बैंक लूट में शामिल जो आतंकी थे सीसीटीवी फुटेज उसका सामने आ गया है। हमारे संवाददाता अशरफानी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशरफ, पूरी खबर बताएं। श्वेता, दरअसल कहीं ना कहीं अब ये साफ हो गया है पुलिस की जो दलील है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने आई है इस लूट में, जो पिछले तीन बैंकों के लूट हुए आसपास के इलाके पुलवामा के आसपास ही, एक हफ्ता पहले आरीहल पुलवामा में, उससे पहले बड़गाम के एक गांव में और अब रत्नीपुरा पुलवामा में। पुलिस का पहले ही कहना था, क्योंकि कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं जिनके बाद ये खुलासा हुआ था कि लश्कर का हाथ इन तीनों बैंक डकैतियों में है, और कहीं ना कहीं जो है काफी चिंताजनक बात है। और तीन ही लोग जो कि ऑपरेट करते हैं साउथ कश्मीर में ही, लश्कर के वही तीन आतंकी इन तीनों बैंक डकैतियों में शामिल है। उनमें से एक स्थानीय है जो पुलवामा के पास रहता है, जबकि दो पाकिस्तानी हैं, और तीनों जगहों पर आराम से इन्होंने बैंक लूटे और उसके बाद फरार हुए। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल अभी खड़ा होता है, डिमोनेटाइजेशन का मुख्य मुद्दा जो था कि आतंकी फंडिंग को कम किया जाए, लेकिन आतंकियों ने दूसरा रास्ता अपना के अब कहीं ना कहीं पिछली तीन बैंक डकैतियों में 30 लाख से भी ज्यादा राशि जो है वो उड़ा ली है, वो भी सरकारी बैंकों से। और अब पुलिस उन तीनों आतंकियों के पीछे लगी है जो इन बैंक डकैतियों में शामिल है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ आपका तमाम जानकारी के लिए।